नमस्कार। नोएडा पुलिस और वाहन चोर बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें जाहिद और राशिद को गोली लगी, जबकि फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने इसकी जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, सेक्टर 24, 58, 20 इन सब एरियाज में पिछले काफी दिनों से ऑटो लिफ्टिंग हो रही थी। फोर व्हीलर्स टारगेट पे थे। हम लोगों ने जब पहली घटना घटी थी तभी से हम लोग काफी अलर्ट थे, हमारी चेकिंग्स चल रही थी, लेकिन बीच में उसके बाद भी एक आध घटनाएं हुई हैं और उसके बाद हम लोगों ने अपने इस पेट्रोलिंग को, अपने इस चेकिंग अभियान को और भी इंटेंस कर दिया था। इसी क्रम में आज सेक्टर 24 की टीम जब यहां पे जहां हम लोग खड़े हैं इस हरिदर्शन चौकी के पास, ये सब लोग जब यहां से निकल रहे थे, हमारी चेकिंग टीम एक गाड़ी को रोकने का प्रयास की, ये गाड़ी रुकी नहीं, ये भागी और उसके बाद जो चेकिंग करने वाली टीम थे उनके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, इसमें दो व्यक्ति निकल के भागने का प्रयास किए, दोनों के जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें पैर में गोली लगी है। दोनों को हम लोगों ने तत्काल यहां से हॉस्पिटल भिजवाया है। पूछने पे एक ने अपना नाम जाहिद बताया, दूसरे ने राशिद बताया। ये दोनों मेरठ के रहने वाले हैं और शातिर वाहन चोर हैं। लगभग दर्जनों मुकदमे इनके विरुद्ध हैं। अभी तो इनिशियली पूछताछ में इन्होंने इतना बताया है, लेकिन अभी हम भी आसपास के एनसीआर के सभी जनपदों से वेरीफाई करेंगे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री कितनी है। मुझे लगता है कि काफी शातिर वाहन चोर है, उनके गैंग में और लोग भी हैं। इसी के साथ इसमें से एक जो भागने का प्रयास किया उसका नाम फिरोज था, उसको हमारी टीम ने दबोच लिया है, वो हमारे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे गैंग में और जो लोग शामिल हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हम लोग ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब तक कितने वाहन इन लोगों ने यहाँ से लिफ्ट किए हैं, बाकी अन्य जनपदों से कितने लिफ्ट। सर,